ये मैं मैसेज उन गद्दार मूर्खों को कहूंगा जो घर पर बैठे बैठे से मैसेज पे मैसेज करते हैं कि ऑल मेडिकल फील्ड ज्वाइनिंग चाहिए, कुछ नहीं होने वाला है अब। जो अपने बूढ़े माँ बाप, अपने बच्चे, अपने बीवी का दामन थाम बैठे हैं कि वो उनको इंसाफ दिलाएंगे घर पे बैठे बैठे। अबे मूर्खो, याद करो यार, जो हमारे कितने भाई बहन सुसाइड कर लिए, जो 10 महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पे जानवरों जैसे भाई भूखे, कैसे भी यार इस आंदोलन को जिंदा रखे। और तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे घर बैठे बैठे ज्वाइनिंग हो जाए? नहीं दोस्त, तुम पछताते रहोगे अगर दिसंबर का महीना चला गया दोस्त, तो तुम रोते रहोगे, यही तुम्हारे माँ बाप तुमको कोसेंगे, तुम्हारे बच्चे कोसेंगे, अरे पापा, अरे बेटा, एक बार तुम चले गए होते दिल्ली तो शायद आज तुम्हारे भी तन पे वर्दी होती, क्योंकि हम तो वर्दी भाई लेकर रहेंगे। क्योंकि जो नवंबर महीने में हुआ है वो 99% हो चुका है, बस 1% बाकी है, थोड़ा सा दम लगा दो। और नामर्दों के लिए मैं यही कहूंगा कि कुछ मंदिर मंदिर करते मर गए, कुछ मस्जिद मस्जिद करते मर गए, कुछ वोटों के लिए मर गए तो कुछ नोटों के लिए मर गए। अगर ऊपर जो क्रांतिकारी होते हुए यही कहते कि हम किन चोटों के लिए मर गए, क्योंकि दोस्त इस बार तो हम ये नहीं करने वाले हैं, ये वी वांट जस्टिस। इस बार दिल्ली में इंकलाब होगा दोस्त, और मैं ये वादा करता हूँ कि अगर लाठी के प्रहार भी पड़े तो सबसे आगे मैं हूँगा, अगर गोली पड़े तो सबसे आगे मैं, और फांसी पड़े तो दोस्त खुशी खुशी झूलने के लिए तेरा भाई तैयार है। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि ना चाहूं मां मैं दुनिया में, ना चाहूं स्वर्ग को जाना, बस इतना ही चाहूं कि रहो अपनी माँ का दीवाना। अगर हो मेरा 7 बार 8 बार लाख करोड़ बार हो मेरा जन्म, तो माँ मुझे सिर्फ फौजी ही बनाना, माँ फौजी ही बनाना।